सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 11, मुसनद अहमद हदीस नंबर 4142। जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, खत्त खत्तन व खत्त अन यमीनिही खत्तैन व खत्त अन यसारिही खत्तैन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर एक लकीर खींची, उसके दाएं जानिब दो लकीरें, उसके बाएं जानिब दो लकीरें आपने खींची, और फिर उसके बाद दरमियानी लकीर है उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली रखी और फरमाया कि ये अल्लाह ताला का रास्ता है। मुसनद अहमद की एक और रिवायत जिसमें अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो सीधी लकीर है, ये सिरात मुस्तकीम है, ये मेरा रास्ता है, और दाएं और बाएं जो रास्ते हैं वो शैतानी हैं, उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करो। और फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अनआम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 153 तिलावत की, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ। आपने फरमाया وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, सीधी लकीर पर आपने उंगली रखी और फरमाया कि ये मेरा सीधा रास्ता है, فَاتَّبِعُوهُ, इसी की इत्तेबा करो, इसी की पैरवी करो, इसी पर चलो, وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, दाएं और बाएं जो शैतानी रास्ते हैं उस पर न चलो, فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ, वरना तुम सीधे रास्ते से भटक जाओगे, गुमराह हो जाओगे। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।